Hey guys, आज हम बात करने वाले 8 cool Instagram tricks के बारे में, तो चलिए देखते हैं Anon Tech के साथ। तो चलिए बात करते हैं एक बेस फीचर के बारे में जो आप सबको पता होगा। आपसे अगर गलती से कोई भी मैसेज Instagram पे हो गया तो आप उसको अनसेंड कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए कोई आपको भी तो मैसेज कर सकता है और वो भी अनसेंड कर सकता है, तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि एप्लीकेशन है, उसका नाम है इंस्टा सेव। जिससे क्या होता है कि आपका हर एक मैसेज वहां पे सेव हो जाता है, वो एप्लीकेशन के अंदर सेव हो जाता है, ताकि कोई भी अनसेंड करे फिर भी आपको वो मैसेज दिखेगा। दूसरा ऑप्शन यह है, अगर आपको किसी का मैसेज पढ़ना है बट उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने सीन किया कि नहीं किया, ये एप्लीकेशन आपको और एक फीचर देती है। सीधा से सीधा आप वहां के मैसेज यहाँ पे पढ़ सकते हो। आपके दोस्त या फिर कोई भी एक्स यूजर है, उसने आपको जो मैसेज किया होगा उसको सीन का मैसेज नहीं जाएगा और आप वो मैसेज सीधा ये एप्लीकेशन में पढ़ सकते हो। तो ये एप्लीकेशन मेरे को सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी लगी। आप सबको पता है कि स्टोरी एनालिसिस कैसे होती है, कि स्टोरी में व्यूज जो आते हैं हमको दिखाई देते हैं वो कैसे आते हैं। आप सबको एक कंफ्यूजन होता होगा, तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि वो कैसे एनालिसिस करता है और इंस्टाग्राम कैसे आपको दिखाता है, उसका अल्गो किस तरह से काम करता है। आप देख रहे हो इंस्टाग्राम की मेरी स्टोरी, ठीक है। अभी देखो कि फर्स्ट 100 जो व्यूज आएंगे वो जिन्होंने पहले देखा है व्यूज वो आपको दिखाई देंगे, बट जैसे ही 100 क्रॉस करेंगे जो आपको ज्यादा स्टॉक कर रहा है, जो आपको ज्यादा प्रोफाइल देख रहा है, जो आपकी ज्यादा स्टोरीज देख रहा है, उसकी प्रोफाइल फर्स्ट आएगी। तो ये हो सकता है कि आप उसको भी स्टॉक कर रहे हो, वो आपको भी स्टॉक कर रहा है और वो आपका क्रश है, तो आप उसको पिंग कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो यार, उसको मैसेज करो या फिर अप्रोच करो, तो शायद आपकी दोनों की जोड़ी बन जाए। और आपका सेटिंग अगर हो जाए, भगवान करे आपका सेटिंग हो जाए, तो बस और कुछ आपको नहीं करना है, बस इस वीडियो को आप 10 लोगों को जरूर भेजिए और उसको बोलिए कि ये वीडियो देखिए, आपको शायद आपका क्रश मिल जाए। तो मैं आपको थर्ड ट्रिक दिखाता हूं जो मेरे को काफी अच्छी लगी और आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो ये भी क्रश के लिए है या फिर एक्स के लिए है, जो भी आपको रिलीवेंट करना है आप कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम अभी खोलता हूँ एंड स्टोरी रख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको पहले ब्रीफ दे देता हूँ कि ये किसके बारे में है, ये उसके बारे में है कि आपको अगर मैसेज किसी को या फिर स्टोरी दिखानी है बट आप दिखा नहीं सकते, आपको भेज नहीं सकते, तो क्या करना है आपको, आपको एक स्टोरी जो भी भेजनी है उसको टैग करो और उसको क्या करना है, मेरे को सिर्फ उसके ऊपर रखनी है कोई भी इमोजी रखना है या फिर उसके ऊपर स्टिकर रख देना है, तो आप वो हिडन हो जाएगा। दूसरी क्या चीज कर सकते हो आप पिन टूल का ऑप्शन यूज कर सकते हो। आप पिन टूल जैसे ही आप यूज कर रहे हो वैसा ही सेम कलर, बैकग्राउंड का जो भी कलर है वो चूज कर लो उसका, और वो कलर उसके ऊपर आएगा तो सीधा ही आपको टैग उसको नहीं दिखेगा कि वो टैग कहाँ पे हुआ है। तो हमने तो स्टोरी दिखा दी, तो ये भी काफी अच्छी ट्रिक है। तो आप सबको दिखाओ, सबको टैग करो, जो करना है करो, आपकी एक्स को भेजो और जलाओ उसको कि देखो ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तेरे से अच्छा जो करना है व्हाटएवर इट इज करो तुम लोग जाओ। तो चलिए बात करते हैं इंस्टाग्राम डार्क मोड के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ डार्क मोड का इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है डार्क मोड, ओके। एंड मैंने आपको आगे भी बात करी है आईफोन 11 प्रो के डार्क मोड के बारे में, जहां मैं इंस्टाग्राम के लिए भी बात करी है, तो आपको मैं आई बटन यहाँ पे दे दूंगा, तो वहां जाइए और वो वीडियो देखिए पूरा, क्योंकि मैं उसका गिव अवे करने वाला हूँ। दूसरी बात कि ये जो डार्क मोड है जो कि इंस्टाग्राम में अपडेट आया है, उसमें नया फीचर है ताकि आप इंस्टाग्राम में डार्क मोड यूज कर सकते हो, कालापन आप ला सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम में अभी अगर आप यूज कर रहे हो एंड्रॉइड मोबाइल तो उसमें 9 and 10 में ये इनबिल्ट फीचर आ गया है जो कि डिफॉल्ट है। आप स्लाइड करना है और आपको डार्क मोड का मिल जाएगा ऑप्शन, तो जहां पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फुल पूरा आपका एंड्रॉइड सिस्टम जो है वो डार्क हो जाएगा इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, ओके। अगर आपके पास एंड्रॉइड 5 है तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है, अगर आपके पास एंड्रॉइड 6, 7, 8 है तो इसमें पॉसिबल है। आपके प्ले स्टोर में जाइए और एक एप्लीकेशन है डार्क ऐप करके है, तो आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड वहां पे एप्लीकेशन जैसे ही आप यूज करोगे आपका पूरा मोबाइल यानी कि एंड्रॉइड पूरा एंड्रॉइड आपका डार्क हो जाएगा और आप कालेपन में घुस जाओगे। तो अब देखते हैं नई ट्रिक जो कि मेरे को काफी अच्छी लगती है और बहुत ही ब्लॉगर फैशन ब्लॉगर्स जो है वो ये बेसिकली यूज करते हैं। ये ट्रिक्स है स्टोरी में आपको शेडो जैसा फॉन्ट लाना, ठीक है, फिर इमोजी के पीछे भी शेडो आता है ना,
तो ये सबसे बढ़िया मेरे को ट्रिक्स लगी और ग्राफिकली भी ये बहुत सही है। अगर आप फैशन ब्लॉगर हो या फिर ब्लॉगर हो, फूड ब्लॉगर हो, तो ये ट्रिक्स आपको यूज जरूर करनी चाहिए ताकि उसके ऑडियंस भी आपको बिल्ड हो। तो चलिए हम देखते हैं कि किस हिसाब से वो करते हैं, है ना। उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की आपको जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट ही है। आपको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे इंस्टाग्राम खोलिए, उसके बाद फोटो लीजिए, जो भी आपने क्लिक वगैरह किया है वो फोटो लीजिए, उस पर लिखिए आप हेलो, ठीक है। एक हेलो लिखिए, कोई भी आपको कलर चूज करना है कर लीजिए। दूसरा वर्ड लिखिए, सेम वर्ड लिखिए हेलो, एंड वो भी सेम वर्ड आप लिख के उसके ऊपर दूसरा कलर ले लीजिए। जो भी है फर्स्ट वर्ड जो है आपको जिसको भी ऊपर नीचे करना है वो आप कर सकते हो। इसको मैं ऊपर लेता हूं तो ऊपर लिख दो और एग्जैक्टली उसके ऊपर ही रखो, तो थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये शेडो टाइप है, है ना, तो यूजर्स को भी मजा आएगी। दूसरी बात कि शेडो इमोजी में शेडो कैसे करना है, तो आप एक सिंपल सा इमोजी ले लीजिए और उसको कर दीजिए नियॉन, है ना। नियॉन जैसे ही आप ऊपर से नियॉन करोगे तो उसके बैकग्राउंड में शेडो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये ट्रिक भी मेरे को काफी अच्छी लगती है। तो जैसे आप सबने देख लिया कि स्टोरी में शेडो टेक्स्ट कैसे सेट करना है, तो मैं आपको और एक चीज बताऊंगा जो ज्यादातर फैशन ब्लॉगर्स और फूड ब्लॉगर्स वगैरह यूज करता है, जो कि लाइनिंग वगैरह होती है। तो मैं आपको अभी लाइव करके दिखाता हूँ कि कैसे वो यूज करता है, ठीक है। लेट्स, तो मैंने ये अभी मेरा फोटो ले लिया है, तो अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो अभी ये पेंसिल टूल ले रहा हूँ, मैंने कलर चूज कर लिया, अभी ये पेंसिल टूल यूज किया मैंने। अभी आप और एक नियॉन भी यूज कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा दिखेगा, ये मैंने अभी वो भी यूज कर लिया। अभी देखो, आप सिर्फ नियॉन भी यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ पेंसिल ही यूज कर सकते हो। मैं अभी ये नियॉन सिर्फ करके दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। मैंने ये अभी ले लिया और आप फिर रबर का यूज करके आप बीच में से वो निकाल सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। तो जैसे ही वो निकालोगे ऐसे ही फोटो आपका रेडी हो जाएगा, तो वो जो फोटो रेडी होगा वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये काफी अच्छा लग रहा है, आप यूज कर सकते हो वहां पे मल्टीपल और भी चीजें, लाइक मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हो ताकि आप उसके पीछे पंख बना सके, लाइक काइंड ऑफ लड़कियां बनाती है ऐसे उड़ने परियों जैसी, है ना, तो वैसा आप कर सकते हो। अगर आपको और भी ट्रिक्स पता है इंस्टाग्राम के बारे में तो आप प्लीज मेरे को कमेंट में बताइए कि कौन सी ट्रिक है, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं यहाँ पे आपको वीडियो में लिंक दे रहा हूँ, तो आप जाइए और फटाफट से मेरे को डीएम करिए या फिर कमेंट करिए अभी के अभी, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर दिखाऊं। क्या आपकी स्टोरी कोई नहीं देखता? मेरे पास है एक वंडरफुल ट्रिक आपके लिए, जिससे सब लोग आपकी स्टोरी देखेंगे और मामू बनेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टोरी, चलिए। आपको सबको बताया कि क्लोज फ्रेंड वाली जो स्टोरी होती है वो सब देखते हैं, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहता है क्लोज फ्रेंड, है ना। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, अगर आपकी स्टोरी कोई नहीं देख रहा है तो आप ये करिए कि डीपी के अंदर आपको ग्रीन बॉर्डर वाली स्टोरी का डीपी रख दीजिए। और वो कहाँ से रखना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसका है इंस्टा रॉकेट। और वो आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप गूगल करिए कि इंस्टा डीपी स्टोरी लाइन, तो वहां से आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे आप डीपी की आप बॉर्डर्स पे ग्रीन कर सकते हो। तो लोगों को क्या लगेगा कि वहां जब भी आपकी स्टोरी पुट करोगे तो लोगों को दिखेगा ये ग्रीन कलर की जो है वो क्लोज फ्रेंड की है। बाहर तो वो नॉर्मल सी स्टोरी वाली लाइन आएगी ही, बट अंदर जो आएगी वो ग्रीन वाला कवर आया, ग्रीन वाली बॉर्डर आएगी, तो उससे लोग और देखेंगे। मैंने ये खुद ट्राई करी है ये ट्रिक, और मेरे व्यूज जो 200 व्यूज थे वो बढ़ के 300 से 400 हो गए और एंगेजमेंट काफी अच्छी रही है। तो ये सब लोग ट्राई करिए और ट्राई करके मेरे को बताइए कमेंट में कि कैसी ये ट्रिक आपके ऊपर इफेक्ट करी और कैसी रही ये मजेदार ट्रिक। तो मैं आपको सबसे बढ़िया और बेहतर लास्ट ट्रिक बताना चाहता हूं जिसको आप यूज कर सकते हो। आपको ना तो जरूरत है हैपन की, ना तो जरूरत है टिंडर की, आपको सिर्फ जरूरत है तो इंस्टाग्राम लोकेशन की। तो क्या करना है, उसके अंदर आप जो भी फंक्शन में गए हो या फिर कहीं पे भी गए हो, आपको कोई लड़की पसंद आ जाती या लड़का पसंद आ जाते हैं तो आपको उसका नाम नहीं पता या आप अप्रोच नहीं करवाते, तो कैसे उसको लड़की को या लड़का को ढूंढना है, तो आप वो लोकेशन जो ऐड कर रहे हो, आप पोस्ट रख रहे हो या फिर कुछ भी रख रहे हो, तो उसने भी शायद रखी होगी, ठीक है।
तो अगर उसने रखी है तो ही आपको दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। अगर उसने रखी है, सर्च पे जाइए और वो लोकेशन डालिए, ताकि आपको सारा लोकेशन पे जितने भी फोटोज क्लिक हुए हैं, जितने भी अपलोड हुए हैं, वो आपको तुरंत ही दिखेगा। जो स्टोरीज अपलोड हुई है वो भी दिखेगी। तो उससे आप क्या कर सकते हो, वो लड़की को वहां पे है कि नहीं वो फाइंड करके आप उसको स्टॉक कर सकते हो, उसको अप्रोच कर सकते हो ऑनलाइन और सोशल मीडिया, और जो करना है कर सकते हो। दूसरी ट्रिक है कि हैशटैग भी आप वो यूज कर सकते हो, शादी वाला या फंक्शन वाला या पार्टी वाला। मैं गया था बॉम्बे वाले VH1 सुपरसोनिक में, और वहां पे मेरे को जो लड़की पसंद आ गई थी उसने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, मेरे को वहां पे एक लड़की मिल गई थी और मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने देख लिया। अभी वो मेरी फ्रेंड है, सिर्फ फ्रेंड और कुछ नहीं, ठीक है, ओके। अगर आपके पास और भी ट्रिक्स है, कैसे फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, कैसे लाइक्स बढ़ाते हैं, कैसे आपकी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज मेरे को बताइए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और मेरी भी कोई कोई ट्रिक्स है, अभी और भी बाकी है। अभी इंस्टाग्राम तो यार क्या ही बोलूं, बहुत सारी ट्रिक्स से भरा पड़ा है। तो मैं आपको और भी ज्यादा ट्रिक्स ऐसी ही वीडियोस में लाता रहूंगा। और आपके पास ट्रिक्स है तो उसका क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा और हर एक कमेंट पे एक वीडियो बनाऊंगा जो कि यूजर्स के ऊपर होगी, और यूजर्स ने जो जो कमेंट किया है वो मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा बाकी सारे सब्सक्राइबर्स को कि कैसी ट्रिक्स आती है और कैसे काम किया जाता है हर एक ट्रिक्स पे और लाइक्स और फॉलोअर्स पे। तो आप प्लीज जाइए एंड बस कमेंट कीजिए यार, तो मेरे को समझ आ जाए और मेरे को प्यार दीजिए यार, मैं नया हूं ना यूट्यूब पे, तो प्लीज यार बाय। लाइक क्या के सब्सक्राइब आए तो हवे आउसे ने नहीं। तो आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, जैसे मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई भी ट्रिक्स आप यूज करते हो इसमें से तो प्लीज शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं कि कैसे आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाए, कैसे आप इंस्टाग्राम की लाइक्स बढ़ाए, और कैसे PR एजेंसी को आप अप्रोच करें कि आपको वो ऑफर्स दे प्रमोट करने के लिए, या फिर प्रोडक्ट्स दे आपको प्रमोट करने के लिए, ताकि आप फैशन ब्लॉगर, फूड ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर, जो बनना है वो बन सके और आपके सारे सपने पूरे हो। टेक केयर, बाय।